हाय एवरीवन, आज मैं आपको कुछ ऐसे मॉइस्चराइजर बताने जा रही हूँ जो समर्स के वेदर में बहुत अच्छा काम करते हैं। ये जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है, मैंने इन्हें पर्सनली यूज़ किया है एंड दे आर माय करंट फेवरेट मॉइस्चराइजर्स। फर्स्ट आई हैव दिस प्लम राइस वाटर एंड नायसिनामाइड मॉइस्चराइजर। ये बहुत ही लाइट वेट मॉइस्चराइजर है। एज यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड इट कम्प्लीटली। तो इसमें नायसिनामाइड है जो आपके ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, एक्ने मार्क्स को रिड्यूस करता है, और राइस वाटर आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है। तो ये एक ऑयल फ्री लाइट वेट जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है जो बहुत स्किन पे बिल्कुल भी हैवी या ग्रीजी फील नहीं होता। इसको आप समर्स में इजीली अप्लाई कर सकते हैं एंड आल्सो इट्स फ्रेग्रेंस फ्री, सो इट इज सुटेबल फॉर पीपल विद यू नो ऑयली सेंसिटिव एंड कॉम्बिनेशन स्किन। नाउ नेक्स्ट आई हैव दिस सेबामेड क्लियर फेस केयर जेल। ये मैं अपने उन पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करती हूँ जिनकी स्किन बहुत ही ऑयली सेंसिटिव और एक्ने प्रोन है। ये बहुत अच्छा वर्क करता है। ये एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है जो बहुत लाइट वेट है। इसमें एलोवेरा और पेंथेनॉल है। तो पेंथेनॉल आपके रेडनेस और इरिटेशन को काम डाउन करता है, और जो एलोवेरा है वो भी आपकी स्किन को सूदिंग इफेक्ट देता है। सो इट्स अ मस्ट हैव इफ यू हैव यू नो ऑयली एक्ने प्रोन स्किन एंड इट्स गुड फॉर समर्स ऑल्सो। नेक्स्ट मॉइस्चराइजर दैट आई एम लविंग फॉर दिस समर्स इज डॉक्टर शेस हल्दी एंड हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर। इसका भी टेक्सचर बहुत ही जेल बेस्ड है। इसमें हल्दी और हाइलुरोनिक एसिड है और ये बिल्कुल भी ग्रीजी फील नहीं होता फेस पे। बहुत ही लाइट वेट है, फ्रेग्रेंस फ्री है, और ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनकी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है। ऑल्सो ये आपकी डल स्किन को ब्राइटन अप करता है, तो आपकी अगर डल स्किन है उसके लिए भी ये मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा है। आई एम लविंग दिस मॉइस्चराइजर फॉर माई कॉम्बिनेशन स्किन। इट इज डॉटन की 72 आवर हाइड्रेटिंग जेल मॉइस्चराइजर। ये नॉन कम्यूटोजेनिक है, बहुत लाइट वेट है, इसमें माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है। एज यू कैन सी मैंने इसको पूरा फिनिश कर लिया है एंड इट कंटेन्स योर हाइलुरोनिक एसिड, प्रोबायोटिक्स एंड राइस वाटर। इसका टेक्सचर बहुत ही लाइट वेट जेल बेस्ड है, और बेस्ट पार्ट ये आपकी स्किन पे बहुत ही सूदिंग कामिंग सा इफेक्ट देता है, बहुत ही कूलिंग सा इफेक्ट देता है जो समर्स के लिए बहुत अच्छा है। सो इट्स अ मस्ट हैव मॉइस्चराइजर फॉर योर कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन। ड्राई स्किन वाले लोग पूछेंगे हमें समर्स में क्या यूज़ करना चाहिए। सो आई एम हैविंग दिस डर्माकोस 4% सेरामाइड बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर। इसमें सेरामाइड और नायसिनामाइड है, और ये एक बहुत ही लाइट वेट मॉइस्चराइजर है। इसको ऑयली स्किन वाले लोग भी यूज़ कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी इट्स टेक्सचर इज इट्स स्प्रेड्स वेरी इजली एंड यू कैन सी इट डजेंट फील हैवी और ग्रीजी एट ऑल ऑन फेस। सो ये स्किन को प्रॉपरली हाइड्रेट भी करता है, आपके सीबम प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है क्योंकि इसमें नायसिनामाइड है। सो इट कैन बी यूज बाई पीपल विद ऑल स्किन टाइप, वेदर यू हैव ऑयली, ड्राई और कॉम्बिनेशन स्किन। So if you want more such long videos, let me know in comments.